में आप सभी का बहुत ही कि जितने भी ट्यूशन सेंटर है जो 10 डिस्ट्रिक्ट में जम्मू संभाग के अंतर्गत आते हैं वहाँ पर अभी कमेटी का गठन किया गया है और उन्हें पूरी तरह से चेकिंग की जा रहेगी। हाल ही में जो दिल्ली की अगर बात करें एक निजी कोचिंग सेंटर में जिस तरह से भाड़ के आने से छात्रों की जान गई है उसी के चलते आज ADC जम्मू जो है वो यहाँ पर हर ट्यूशन सेंटर की चेकिंग करते हुए नजर आएंगे। इस समय ADC जम्मू जो है शिशिर गुप्ता जी यहाँ पर हैं और ये करियर अड्डा इंस्टीट्यूशन में आए हैं। हमने आपको बताया था कि आदेश आया था एक और आदेश में साफ तौर पर कहा गया था कमेटी का एक गठन किया गया था और जो कमेटी पूरी तरह से निरीक्षण करेगी सेफ्टी या प्राइवेट जो ट्यूशन सेंटर हैं अक्रॉस द जम्मू रीजन जो भी जितने भी हैं क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है फायर सेफ्टी है अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है उसमें किस तरह की प्रिकॉशन मेजर्स लिए जाएंगे। और देखिए इस समय शिशिर गुप्ता जी जो ADC जम्मू है नीचे जाते हुए क्योंकि हाल ही में आपने देखा दिल्ली में जिस तरह से 3 बच्चों की जो एस्पिरेंट्स थे UPSC की उनकी बाढ़ के पानी के साथ जब ये तो रेंटल एग्रीमेंट दिखाइए किसके साथ है वो दिखा दीजिए। ADC जम्मू जो शिशिर गुप्ता जी हैं इसमें पूरा निरीक्षण करते हुए क्योंकि उस घटना के बाद जो मैं तो कार दे दूँ जम्मू में भी इस चीज़ का संज्ञान लिया गया है और प्राइवेट जितने भी ट्यूशन सेंटर्स हैं एक कमेटी का गठन किया गया है वो पूरी तरह से कमेटी जो है अब हर एक जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट के जो ट्यूशन सेंटर हैं उन पर पूरी तरह से निगरानी रखेगी कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति बन जाती है जिस तरह से दिल्ली में हुआ इस तरह से किसी भी जो स्टूडेंट्स उनकी जान पर ना बनाए। उन्होंने कहा साफ तौर पर कि जो स्टूडेंट्स की जो ज़िंदगी है वो सर्वोपरि है। इस समय के दृश्य हम बता रहे हैं आपको करियर अड्डा जो कि इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर वो कैसे चला रहे हैं तो इसमें दोनों है इसमें ये दो भाई ब्रदर है ना ये और ये 1 साल की है ना एक्सपायरिंग होंगी तो चेंज किया आपने पर पीरियड ऑफ 1 ईयर सब्जेक्ट टर्म्स एंड कंडीशन देता है तो सर पुराना हो दूसरी है हमारे पास हर साल का होता है दिखाई यहाँ तो आपने कुछ से डेट चेंज की थी और ये नोटरी वाला ही है सर ये कोई मालिक है ना तो वो भी कहते हैं आप अपने घर देते हैं देखा नहीं है कि आप वो यूज़ करते हैं ये विदाउट एग्रीमेंट ये वैलिड होंगी 1 साल के लिए होता है इसमें वैलिड 3/35/2023 और ये तो शॉप के लिए है आप यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट का इस्तेमाल करें सर अगर तो उनकी शॉप है ना तो उनकी शॉप का जो हम तो बताते हैं हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे एक ही एग्जिट एंट्री है आपके यहाँ हमने आपको कल भी बताया था डिवीजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार जी के आदेश अनुसार एक कमेटी का गठन किया गया और कमेटियां जम्मू संभाग के 10 जिलों के निजी कोचिंग सेंटरों के काम का जो सुरक्षा पर भी एक विस्तृत जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है। और इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से ADC जो है जम्मू है शिशिर गुप्ता जी ये समय ऊपर जाकर निरीक्षण करेंगे और पूरी तरह से सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए ये डिपकॉम जम्मू जो है रमेश कुमार जी की ओर से जिस तरह से दिल्ली में एक बड़ी घटना हुई जिसमें UPSC एस्पिरेंट्स जो थे बाढ़ के पानी से उनकी जान चली गई थी
और इस तरह की डिप्टाम के आदेश अनुसार ये जो पूरा निरीक्षण किया जा रहा है और खास करके साफ तौर पर और साफ तौर पर बताना चाहेंगे कि डिवीजन कमिश्नर के कड़े आदेश हैं और जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा है फायर सेफ्टी कंप्लेंट वगैरह है यहाँ पे जो आप कुछ भी नहीं है सर्टिफिकेट नहीं है ठीक और देखिए किस तरह से फायर सेफ्टी अप्लायंसेस नहीं यहाँ पे है तो कहने के बच्चों की रूम स्पेस भी कम है और इस समय आप जानते हैं कि अब शुरुआत हो चुकी है डिवीजन कमिश्नर रमेश कुमार जी के आदेश अनुसार हमने कल ही बताई थी खबर कि एक कमेटी का गठन किया गया है इस समय आपने देखा कि इसमें मैं करियर अड्डा में हूँ और जहाँ पर एडीसी जम्मू शिशिर गुप्ता जी हमारे साथ हैं और पूछते हैं सर आपका टॉयलेट भी है कि मतलब सेपरेट टॉयलेट भी नहीं आपके पास मेल फीमेल के लिए तो बेसिक कंडीशंस वगैरह सारी लिखी हुई है शिफ्ट चल रही है डजन मैटर शिफ्ट चल रही है पाँच शिफ्ट में क्या दो घंटे पड़ेगा डजन मैटर और आप शॉप का लेके आप ट्यूटोरियल चला रहे हैं आपका ना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है ना बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट है ना आपका रेंट एग्रीमेंट है वो एक्सपायर्ड हुआ है फायर सेफ्टी आपका है ही नहीं कभी कराया ही नहीं है स्पेस बहुत कंजेस्टेड है और बहुत ज़्यादा है इस वन स्क्वायर मीटर का जो स्पेस चाहिए वो नहीं है इनके पास मतलब एक क्लास में 25 से 30 बच्चे बैठे हैं मतलब रफली अराउंड 200 स्क्वायर फीट का उसका वो है एरिया है जो इन्होंने खुद बताया है 200 स्क्वायर फीट ना तो आपके पास नहीं है 9 स्क्वायर फीट यानी 10 एक स्क्वायर मीटर चाहिए तकरीबन हर बच्चे के लिए इनके ज़्यादा 25 से 30 बच्चे बैठे हैं दोनों क्लासेस में हमारे सर ये छोटे कोर्स में 3900 की मेंबरशिप होती है एक साल की मुझे आपकी मेंबरशिप से मतलब नहीं है ना उसके अलावा कोई चार्ज आप चाहे फ्री में पढ़ा रहे हो लेकिन आप अगर खतरे में डाल रहे हैं बच्चों की जान को बात उससे मतलब है हमें तो यहाँ पे अगर कुछ आपके इंसिडेंट हो जाए तो बच्चे भाग भी नहीं सकते नीचे आपने स्टेट देखी है देयर इज नो एग्जिट दुकान है सर कहाँ है आप खुद ही बताए कोई भी ऐसा है कहाँ कितनी कितनी लाएंगे सर कैसे कर पाएंगे हम भी रेंट पे लेके स्टूडेंट आते हैं एनरोल कीजिए आपको सारी कंडीशन पता है बिल्कुल सर जी तो फिर उसका कंप्लेंट क्यों नहीं है मतलब जब चेकिंग होगी तभी आपको कंप्लेंट देंगे या कुछ इंसिडेंट हो जाएगा ट्रेजेडी हो जाएगी तभी आपको कुछ नहीं यूज होता है कुछ नहीं छोटे मोटे बल्ब चलते हैं हमारे जैसे आपको बड़ी कम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह डजंट मैटर चलिए डीसी जम्मू समय सर वर्दी डिपकॉम के आदेश अनुसार एक कमेटी का गठन किया गया जो दिल्ली का हादसा हुआ जिसमें 3 एक्सपीरियंस की जान चली गई ऐसी चीज़ें जम्मू में ना हो 10 डिस्ट्रिक्ट में कमेटी का गठन किया और पूरी चेकिंग होगी आज आपने जिस इंस्टीट्यूशन में चेकिंग किया क्या आपको कमियां दिखी हैं जी सर देखिए ये जो डिपकॉम सर ने जो कमेटी बनाई है जो दिल्ली में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसके बाद बनी है 3 दिन से ड्राइव चल रही है हम बेसिकली यही नोट कर रहे हैं कि ये जो बेसिक इनके क्राइटेरिया होते हैं क्या ये फुलफिल्ड है या नहीं है फॉर एग्जांपल एक बच्चे के लिए एक स्क्वायर मीटर का स्पेस एटलीस्ट ठीक है सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर जो भी होते हैं फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो होते हैं वो फुलफिल होने चाहिए इनके सेपरेट आप ये देखिए कि ये स्पेस इतनी कंजेस्टेड है इनका कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में या शॉप्स में दे आर रटिंग ट्यूटोरियल्स
आप यहाँ पे है, कल ये जो ड्राइव की थी हमने कच्ची छावनी में देखी, वहाँ पे भी देखा कि नॉट ओनली इन द बिल्डिंग, मतलब रोड्स वगैरह जो थी वो जिसमें वो जाके कोचिंग चल रहे थे, मतलब वो भी इतने कंजेस्टेड थे, अगर कोई फायर इंसिडेंट या कुछ इंसिडेंट होता तो वहाँ पे फायर सेफ्टी टेंडर जा भी नहीं सकते। तो इस तरह के नॉर्म्स हमें मतलब यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, मतलब जम्मू में। तो और भी जितने भी ट्यूशन सेंटर, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप जो चला रहे हैं, जो इस तरह के मेजर सेफ्टी मेजर्स को नहीं अडॉप्ट करें, उनके लिए क्या कह रहे हैं? उनके लिए यही है कि आप जल्द से जल्द जितने भी आपके जो भी क्राइटेरिया होते हैं फुलफिल कीजिए। इट्स नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट, ये कहना कि नहीं डिपार्टमेंट हमसे पूछता तो हम करा लेते हैं वो गलत है। ये हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट में रेगुलर जो हमें जवाब मिले हैं अभी तक की चेकिंग में वो यही मिला है कि हमसे डिपार्टमेंट ने लास्ट ईयर पूछा तो हमने फायर सेफ्टी करवा ली, अदरवाइज नहीं करवाया। हमसे पूछा तो हमने बिल्डिंग सेफ्टी करा ली, अदरवाइज नहीं करवाया। जेएमसी से भी आप देखेंगे यहाँ पे जो आते हैं कमेटी मेंबर्स जो आते हैं हमारे पास टीम में, देखते हैं कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आप कमर्शियल रन कर रहे हैं तो या तो प्रॉपर परमिशन ले लीजिए, ठीक है। और भी जो भी नॉर्म्स होते हैं एक बिल्डिंग में जो होने चाहिए, सेपरेट टॉयलेट्स, अगेन आई रिपीट, सेपरेट टॉयलेट्स होना चाहिए, फायर सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए, बिल्डिंग सेफ्टी नॉर्म्स पूरे फॉलो होने चाहिए, आपके प्रॉपर सिटिंग स्पेस होने चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए वहाँ पे, आपकी प्रॉपर जो भी एक फैसिलिटी एक बच्चे को आप दे सकते हैं, बेसमेंट में क्लासेस नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आप जल्दी जल्दी फुलफिल कीजिए, अदरवाइज ये सिस्टम जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती से कार्रवाई होगी, बिल्कुल सील किया जाएगा। क्योंकि डिवकॉम जो रमेश कुमार जी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, उनकी जिंदगी सर्वोपरि, बिल्कुल लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, स्पेशली अगर हम अपने फ्यूचर की बात करते हैं, यंगर जनरेशन की बात करते हैं, इनकी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। इस तरह की लगातार चेकिंग चलती रहेगी, बिल्कुल चलती रहेगी। वी हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट, एटलीस्ट हमारे पास जो भी रजिस्टर्ड है, और हम ये देख रहे हैं जब हम चेकिंग करने निकलते हैं आधे से ज़्यादा तो फिर अनरजिस्टर्ड मिल रहे हैं, तो उनको तो हम ये कहेंगे पहले तो आप जाकर रजिस्ट्रेशन कराइए, बिकॉज प्री रजिस्ट्रेशन इज द क्राइटेरिया, और नहीं भी था तो रूल्स में ये था कि 3 महीने के अंदर आपको कराना ही है, अगर वो नहीं कराया तो आप पहले जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कीजिए। उसके बाद ये कहना कि हमने अप्लाई कर दिया और फिर आप सारे नॉर्म्स को फ्लाउट करके रन करेंगे, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्ती से पेश आएगा। धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं समय जो ट्यूशन सेंटर, जो हमने कल ही खबर दी थी डिवकॉम जम्मू की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है और लगातार सेफ्टी मेजर्स को लेकर चेकिंग की जाएगी, वेंटिलेशन को लेकर चेकिंग की जाएगी, और जो अनरजिस्टर्ड उन पर कार्रवाई होगी, और जो भी नाम से ट्यूशन सेंटर के होके, क्योंकि बच्चे वहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, उनकी सुरक्षा सबसे पहले ज़रूरी है। तो साफ तौर पर देखिए जितना से शिशिर गुप्ता जो ADC जम्मू, उन्होंने कहा कि जो भी इन नॉर्म्स को, इन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करेगा उन पर आने वाले समय में कार्यवाही भी होगी। तो फिलहाल ये अभी तक दृश्य हमने आपको बताया कि कल की जो खबर थी आपने देखा, लगातार अब ट्यूशन सेंटर पर यानी कि शिकंजा कसा जा रहा है, और जिस तरह से हमने पूरे दृश्य बताए और जो जो गलतियाँ हैं, जो जो कमियाँ हैं वो भी बताइए, और जो भी इस समय ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं उनसे निवेदन है, आग्रह करते हैं आप लोग भी नॉर्म्स को फॉलो कीजिए, क्या जो पैरामीटर्स हैं उनके अंतर्गत रहकर आप ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, क्योंकि आप पर माता पिता भरोसा कर बच्चे भेजते हैं जो कहीं ना कहीं जिनकी जिंदगी की सुरक्षा आपके कंधों पर है। तो ऐसी चीज़ें ना करी जिससे आप आने वाले समय में आपको भी कानूनी दाव पेश में आना पड़े। तो फिलहाल अभी तक दृश्य आपका क्या कहना है डिवकॉम जम्मू के इस यानी कि इस कदम को, क्योंकि आपने देखा दो कुछ दिन पहले जब बाढ़ आई थी तो दिल्ली में UPS के 3 एस्पिरेंट्स की जान चली गई थी, क्योंकि बेसमेंट में जहाँ पर उन्होंने पुस्तकालय बनाया था, लाइब्रेरी बनाई थी, बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए गए थे, और एकदम से नाले का पानी जब वहाँ पर बेसमेंट में चला गया और 3 बच्चों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, जिनके न जाने कितना उज्जवल भविष्य के उनके माता पिता और खुद बच्चों ने उनके सपने देखे थे जो कहीं ना कहीं चूर चूर हो गए। तो ऐसी कोई घटना जम्मू कश्मीर में ना, खास करके जम्मू संभाग में, इसी के चलते डिवकॉम जम्मू रमेश कुमार जी ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसके चलते लगातार वो कमेटी अब हर जगह ट्यूशन सेंटर को खंगाल लिए, क्या कमियां वो भी बता रही है और क्या क्या चीज़ें वहां ज़रूरी होनी चाहिए वो भी बता रही है। आपका क्या कहना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।